고혈증. क्या कहने क्या कहने गई हूँ मैं। जितनी कम ताली आप बजा रहे हैं ना, उतने में तो मेरे बाल बच्चे भी नहीं बनेंगे। जो अभी तक नहीं है तो साथ चाहती हूँ आपका। देखिए बच्चों का मामू बोल रहा है। करती हूँ सुनिएगा कि जाओ तुम चले जाओ, कई दिया तुम्हें आजाद, जाओ तुम्हें चले जाओ, कई दिया तुम्हें आजाद, छोड़ गई मुझे तन्हा, क्या कहने कामयाब हो जाना। क्या कहने भाई, पढ़ लो। जब कभी मेरी आँखें क्या कहने तुमको ढूंढने निकले, जब कभी आंखें तुमको ढूंढने निकले, सिर्फ एक झलक को तुम दस्तियाब हो जाना। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने को तुम दस्तयाब हो जाना। और गजल का शेर कुछ इस तरह भी कहने की कोशिश की। मेरे बड़े भाई शकील आजमी साहब की दुआएं मुझे भी नसीब हुई, मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। और अल्ताफ जिया हाशिम, क्या कहने ये शेर भी बता रहे खास कि सिर्फ एक झलक को तुम दस्तयाब हो जाना। याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पर, याद है गुजारिश पर, तेरे सामने मेरा बेनकाब हो जाना। क्या कहने वाह 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 वाह, तेरे सामने मेरा क्या कहने बेनकाब हो जाना। गजल का आखिरी शेर, शायद मेरी आवाज पीछे नहीं बैठ रही, पीछे तक नहीं जा रही है, कुछ मेरे भाई मोबाइल उनसे कई आपके बराबर में जो बैठे हुए हैं उनकी भी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि मैं भी इश्क में महकूं, तुम भी इश्क में महकूं, बन गई
ये कैमरे आपने जो मेरी तरफ कर रखे हैं यहाँ पर इतनी खूबसूरत सवाते हैं जो कि बहुत अच्छे से शेर सुनते हैं, मैं चाहती हूँ आप मुझे कवरेज ना करके जितने भी यहाँ लोग हैं जब मैं शेर पढ़ चुकूँ ना तो पूरा कैमरा, ताकि जब ये यूट्यूब पर प्रोग्राम देखा जाए तो लगे कि यहाँ के मंदसौर में बहुत अच्छी शायरी सुनी जाती है। मैं शेर दोबारा आपके खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि मैं भी इश्क में महकूं, तुम भी इश्क में महकूं, क्या कहने, वाह वाह वाह, मैं भी इश्क में महकूं, तुम भी इश्क में महकूं, क्या कहने, बंदगी में नकहत की इतना रंग भर देना, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदगी में नकहत की इतना रंग भर देना, एक एक ख्वाहिश का तुम हिसाब हो जाना, क्या कहने, ख्वाहिश का तुम हिसाब हो जाना, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहने, क्या कहने, यह गजल के लिए मुझे हुक्म हुआ है जी अता जी। मैं चार मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ, वो YouTube के हवाले से आप तक पहुँच चुके हैं मगर मैं जी अता जी। कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, क्या कहने, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, एक मामूली से मजदूर की बेटी, क्या कहने, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के असल में आप लोग इतनी कंजूसी से काम लेंगे ना तो जाकिर भाई मेरा पेमेंट नहीं देंगे, पहले ही मना कर चुके हैं, बोले अगर जरा सभी पब्लिक ने नहीं सुना ना तो फिर आपका पेमेंट खतरे में पड़ जाएगा, और वैसे भी मुझे जिसने बुलाया ना वो जाकिर भाई है, बाद में उन्हें पकड़ लीजिएगा। बहुत खूबसूरत, खैर आपकी समात है, बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं, वुमेंस डे भी है उसके लिए भी यहाँ पे जितनी मेरी माए बहन है उनको सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ, आप सबकी तरफ से भी कर दूँ अगर इजाज़त हो तो जी। तो एक बार जोरदार इस्तकबाल कर दिए क्योंकि वुमेंस डे है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं चार मिनट और अपने तिरंगे के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, समात कीजिए। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, क्या कहने, मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना आधा ईमान है। मैं पढ़ती हूँ दोबारा से, आप इन चार मिसरों की हिफाजत करिएगा, उसके बाद एक गजल जिसका मुझे हुक्म हुआ है, उसके बाद आपकी जहमत है तमाम, समाप्त कीजिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म हुआ है, बल्कि नज़्म के लिए हुक्म हुआ है, एक गज़ल जो मैं पढ़ती हूँ आप लोग YouTube के हवाले से सुनते हैं, बेटी के हवाले से, एक मुफलिस बेटी, एक मुफलिस बेटी का पूरे का पूरा किरदार आपको उसमें नज़र आएगा, तो आप चाहें तो उसको खामोशी से सुन लीजिएगा, आप चाहें तो हर शेर को एक
इस तरह से सुन लीजिएगा कि हाँ के वाकई मैं घर घर की कहानी है, मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बुजुर्ग भी, मेरी माए बहनें भी और कुछ मेरे बड़े भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। जाकिर भाई का भी हुक्म था उस गजल के लिए, तो मैं पढ़ती हूँ समाज का। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम के आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर की हिफाजत करिएगा, मैं पहली सब से लेकर आखिरी सब तक इरशाद शेर बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। जमात करें कि क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है, क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, एक बार जोरदार ताली बजाएं दोस्तों, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। माँ के हवाले से एक शेर और पढ़ती हूँ, सवाल करिएगा बतौर खास इरशाद, या इस शेर को यूं कह लीजिएगा कि लोग अक्सर किसी की बात को रोकर सुनते हैं मगर उसकी जगहसाई करते हैं, एक मफहूम तो ये आप इसमें देख सकते हैं, एक करेक्टर ये नज़र आ सकता है, या दूसरा एक माँ के हवाले से शेर को बहुत बखूबी सुना जा सकता है। मैं दोनों तरह से, जिस तरह से भी आप सुनना चाहें उस तरह से शेर की हिफाजत करिएगा, पढ़ती हूँ कि आंसुओं पे मेरे मुझे बुलाए कोई, किस में हिम्मत जो उंगली उठाए कोई, आंसुओं पे मेरे मुझे बुलाए कोई, किस में हिम्मत जो उंगली उठाए कोई, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। जी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि आंसुओं पे मेरे मुंह से बुलाए कोई, किस में हिम्मत जो उंगली उठाए कोई, आंसुओं पे मेरे जाकिर भाई की फरमाइश है, इस बार जाकिर भाई की फरमाइश के लिए तालियां होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि ताज महलों का कोई इरादा कहां, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहां, क्या कहने, वाह वाह वाह, महलों का कोई इरादा कहां,
घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। क्या कहने बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने क्या कहने। मख्ते का शेर पढ़ती हूँ, बल्कि मख्ता पढ़ती हूँ गजल का। और जितने भी वालिद मोहतरम यहाँ हैं, तशरीफ रखते हैं, ये जितने भी मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई शकील आजमी साहब, माजी देवबंदी साहब के कदमों में रखते हुए ये शेर आप तक पहुँचाती हूँ। वसीम भाई समाप्त कीजिएगा और इतनी भरपूर तालियों से मुझे यहाँ से विदा करिएगा कि मुझे लगे कि वाकई मेरा आना जो है यहाँ पर वो कामयाब रहा। और जाकिर भाई सबसे ज़्यादा आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वाकई मुशायरा बहुत कामयाबी की से अपनी मंजिल तय कर रहा है, और आप सभी हम लोगों की शायरी का हिस्सा हैं। आप लोगों का एक सबसे बड़ा ताउन रहता है इस मुशायरे की कामयाबी में। तो मैं ये शेर पढ़ती हूँ बतौर ख़ास, उसके बाद आप सभी से इजाज़त, ज़िंदगी रही, और इंशाल्लाह फिर कभी आना हुआ तो आप लोगों से रूबरू होंगी। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त करें कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं। क्या कहना, शेर सुन लीजिएगा। आप जो है वो पूरी गजल में हंसे हैं, ये तो नहीं पता मुझे क्यों हंसी आ रही है, मगर हंसते हुए अच्छे लगते हैं। मगर ये शेर बतौर खास सुन लीजिएगा, सुनिए, मैं पढ़ती हूँ कि आज तक कोई नकहत अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। निकट फरमाइश है जाकिर भाई, जमेल जाना तुझे अल्लाह, तुझे अल्लाह। यूनिवर्सिटी के सब लोग, सब स्टूडेंट है ना जामिया यूनिवर्सिटी, प्रोटेस्ट से आए हुए हैं ना सब लोग। ये हाशिम लेकर आया ना सबको नहीं तो ठीक है, तो सब मेरे साथ है, वरना मुझे लग रहा था कि पता नहीं सबसे बड़ा जाहिल तो पीछे बैठा हुआ है। मैं पढ़ती हूँ जी अता। गमे हयात गमे दिल, क्या कहने, गमे फिराक नहीं, क्या कहने बाबा, गमे हयात गमे दिल गमे फिराक नहीं, गमे हयात गमे दिल गमे फिराक नहीं, बिछड़ गए बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं। पीछे के जितने भी लोग हैं बतौर खास इस शेर को सुनिएगा, और आगे कि सबसे पीछे तक ये शेर पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि मेरी गली से गुजरते अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, क्या कहने मेरी गली से गुजरते
इंतकाम की साजिश है इत्तेफाक क्या कहने क्या कहने वाह 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 ये इंतकाम की साजिश है इत्तेफाक नहीं क्या कहने और गजल का ये शेर बतौर खास आप सभी की मोहब्बतों के नाम करती हूँ समाप्त कीजिएगा कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूँ रोशन तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूँ रोशन तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूँ रोशन मेरी हयात के कमरे में कोई ताक क्या कहने क्या मेरी हयात के कमरे में कोई ताक